होप आपने 9.1 की सारी वीडियोस देखी होंगी। मैंने 9.1 की सारी वीडियोस अपलोड कर दी है सारे टॉपिक्स की। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 9.2। 9.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक जेनेटिक्स जाननी पड़ेगी। मेंडल क्या होता है, व्हाट हु वाज द मेंडल एंड मेंडलिज्म क्या होता है, उनके क्या तीन लॉज थे और उनके क्या एक्सेप्शन है या फिर क्या लिमिटेशन है और क्या एप्लीकेशन है और कैसे हम उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स में, जो उनकी फाइंडिंग्स थी। तो ये पढ़ने, ये फर्स्ट एक टॉपिक भी है और समझिए सब समझने की भी जरूरत है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? बेसिकली स्टडी ऑफ द हेरिडिटरी फैक्टर। क्या कि फॉर एग्जांपल जो ऐसी चीजें जो जनरेशन से जनरेशन पास हो रही है, पास ऑन हुई है, फादर से सन में गई है, फादर को ग्रैंडफादर से मिली है और उनको ग्रेट ग्रैंडफादर से मिली है, ऐसी चीजें जो इनहेरिटली पास हो रही है जनरेशन टू जनरेशन, उसका क्या रीजन है और कैसे वो फैक्टर काम कर रहा है, उस सब की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जॉर्ज मेंडल वॉज द पर्सन हु इज नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। 1600 में उन्होंने अपनी रिसर्च करी थी और वो बहुत, जब वो एक्सपायर हो गए थे उसके बाद उनकी जो ये रिसर्च है वो पब्लिश हुई थी। तब से आज तक एक ही, आज तक इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने पाइसम सेटाइवम, जो हम पी देखते हैं, जो हम मटर खाते हैं, उस पर रिसर्च की थी। क्यों? क्योंकि वो जो जो पी की लाइफ ड्यूरेशन है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है और वो बहुत इजीली अवेलेबल है ना। ऑल्सो और उसके अंदर 7 कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किए थे कि टॉल है, शॉर्ट, फ्लावर का कलर कैसा होगा, पोड का कलर कैसा होगा, सीड का कलर कैसा होगा, सीड की शेप कैसी होगी, है ना। ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे और उस पर रिसर्च की थी, ठीक है। अब उनकी रिसर्च क्या थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैसे किया था, उससे पढ़ने से पहले हमें कुछ मतलब जानने पड़ेंगे। एलील जीन, होमोसाइगस, हेट्रोसाइगस, डोमिनेंट रिसेसिव, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके मतलब हमें जानने हैं। एलील, एलील क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं टॉल हूं या शॉर्ट हूं, ये ना किसी दो चीज पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने इसको टॉल को शो किया टी टी, ये दो, एक मदर से एक फादर से आता है। तो दो फैक्टर्स, दो चीजें होती हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी करेक्टर के लिए। मेरा टॉल, मेरा हेयर का कलर, तो दो फैक्टर्स होंगे, दो एलील, इसको हम एक सिंगल को बोलते हैं एलील और इसको हम बोलते हैं जीन। तो कोई भी जीन जो एक्सप्रेस हो रहा है उसके अंदर दो एलील्स होंगे। आर यू गेटिंग मी? दो एलील्स प्रेजेंट होंगे। अब कैसे होंगे, क्या होंगे, वो मैं बताती हूं। एलील मतलब दो प्रेजेंट होंगे तो ही वो जीन बनेगा और तो ही वो एक्सप्रेस होगा, ठीक है। एलील समझ आया? कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं फिनोटाइपिकली वो जीनोटाइपिकली ऐसी है, कुछ ऐसे दो के फे में एक्सप्रेस होगी, ठीक है। मेंडल ने इसको फैक्टर्स बोला था, उन्होंने वर्ड एलील और जीन नहीं यूज किया था, ठीक है। एलील और जीन समझ आया? व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेट्रोजाइगस? होमोसाइगस जो सेम है, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, दिस इज होमोसाइगस। अब ये हम ऐसे करते क्यों है? अच्छा आप ना, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो इंसान डोमिनेट करता है, जो हमेशा अपनी चलाता है, डोमिनेट करता है, डोमिनेंस होता है जिसका, वो हर जगह वैसा ही रहता है ना, वो हर जगह अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, वो हर जगह अपनी जगह बना लेता है, ऐसा ही होता है। बट जो इंसान थोड़ा दबा हुआ होता है या थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है या थोड़ा रिसेसिव टाइप होता है, वो क्या होता है कि जब उसके जैसे लोग होंगे वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, तभी अपनी जो थॉट्स हैं वो बता पाता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट वो जैसी भी कंडीशन हो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही लेता है ना। ये चीज होती है,
ये तो हमने रियल लाइफ फ्रेंड्स में भी देखा होगा कि जो दोस्त ऐसे हैं जो मतलब थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, वो सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ ही ओपन अप होते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ ही एक्सप्रेस करते हैं। बट जो डोमिनेट होता है, जो एक्सट्रोवर्ट होता है ऐसा कह सकते हैं, वो हमेशा हर किसी के साथ एक्सप्रेस कर लेता है और वो डोमिनेट करता है, वो हर जगह अपनी प्रेजेंस बना लेता है ना। यही चीज हमें यहाँ पे लगानी है। क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि दो एलील्स हैं, टी टी, ठीक है। ये कैपिटल टी का मतलब है डोमिनेंट, ये डोमिनेट करता है, किस पे, स्मॉल टी वाले पे, समझ आ। तो क्या है कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या था, अगर डोमिनेट कहीं भी प्रेजेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। तो क्या है कि कैपिटल स्मॉल टी जो है वो किसी और चीज के लिए कोड कर रहा है और कैपिटल टी किसी और चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल टी शॉर्ट ड्वार्फ साइज के लिए कर रहा है, मतलब छोटी हाइट होगी, और कैपिटल टी जो है वो डोमिनेट के लिए कर रहा है, मतलब कि सॉरी वो कर रहा है हाइट जो है वो टॉल होगी। तो कैपिटल टी इज फॉर टॉल हाइट एंड स्मॉल टी इज फॉर शॉर्ट हाइट, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अगर ये होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो क्या है, डोमिनेट करेगा। क्या था हमारा कि अगर एक हो या दस वो डोमिनेट ही करेगा, है ना। तो ये है, दिस इज डोमिनेटिंग, ये दोनों डोमिनेटिंग है और ये जो है वो रिसेसिव है। इस कंडीशन में क्या होगा, इंसान टॉल होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट होगा। समझ आया कैसे, क्या पढ़ा हमने, एली। कोई भी फैक्टर जो हम देख रहे हैं अपनी आईज का कलर या जो भी, वो किसके वजह से होता है, जीन की वजह से। एक जीन के अंदर दो एलील्स होते हैं, जो एक फादर से आता है और एक मदर से आता है, ठीक है। और उसके बाद हम जो एलील होते हैं वो एक डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं किसी भी कंडीशन में, और रिसेसिव वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस तभी कर पाते हैं जब उनकी जैसी कंडीशन हो। जो हमने रियल लाइफ एग्जांपल में लेके देखा, जो डोमिनेंट इंसान है वो हमेशा ही डोमिनेट करेगा, और जो रिसेसिव है वो सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ ही नॉर्मल हो पाएगा, अदरवाइज वो रिसेसिव ही रहेगा, ठीक है। होमोजाइगस क्या है, होमो मतलब सेम। तो जब दो सेम होंगे, कैपिटल टी या स्मॉल टी, इसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। और हेटरोजाइगस क्या होता है, जब एक जो दो अलग अलग होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग होते हैं। समझ आया, ये सारे वर्ड्स का मतलब समझ आया, है ना। अब इतना इजी हो जाएगा ना मेंडल के लॉज पढ़ना बहुत ज्यादा, जब अगर हमें इन सारे वर्ड्स का मतलब समझ आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल अब क्या है, पहले हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम मेंडल के लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉस क्या होता है, मेंडल ने ना दो क्रॉस दिए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर मोनो क्या था कि उन्होंने सिर्फ एक ही करेक्टर लिया था, मोनो मतलब एक ही करेक्टर। जो अभी हमने टॉल टॉल वाला किया ना, तो उन्होंने दो पेरेंट्स, उन्होंने पेरेंट्स लिए, मतलब दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल, हम ऐसे ही शो करते हैं पेरेंट्स को, इसे हम बोलते हैं पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स मैंने लिया कि जो मेल है वो होमोजाइगस टॉल है और जो फीमेल है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। तो अब हमें ना इसका क्रॉस बनाना है, क्रॉस कैसे बनाएंगे हम, देखो टी टी, जब भी ऑफस्प्रिंग बनाना होगा तो मदर ये वाला टी भी दे सकती है और ये वाला टी भी दे सकती है, फादर जो है वो ये वाला टी भी दे सकता है और ये वाला टी भी दे सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस बच्चे जो बनेंगे वो क्या क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमें क्या मिला कि जो फर्स्ट जनरेशन होगी, जितने भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे, बट कैसे टॉल होंगे, हेटरोजाइगस, ठीक है। दिस इज अ क्रॉस जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि एक ही, जब हम एक ही करेक्टर लेके, एक ही कोई फीचर लेके या एक ही जीन लेके, एक ही एलील की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हमने फादर का और मदर का क्रॉस लिया और ऐसे उसको जब ऑफस्प्रिंग बनाने की कोशिश की तो हमारे पास जो F1 जनरेशन है वो हमारी ऐसी आई, ठीक है। अब इसी को हम फिर से क्रॉस करेंगे, ये हम अब ये पेरेंट्स, अब इनके बच्चे भी होंगे, तो टी टी
गया और ये हमारी मदर हो गई, तो अब ऑफस्प्रिंग्स में कैसे बनेगा? टी 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 टी, तो क्या क्या ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे? टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमें क्या मिला कि ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है और एक टॉल, एक ड्वार्फ है। क्या मिला हमें कि तीन तो टॉल दिखेंगे और एक जो है वो ड्वार्फ दिखेगा। जो हम देख रहे हैं दैट इज फीनोटाइप, और जो हम अंदर से हैं उसे जीनोटाइप कहते हैं। तो हमें देखने से क्या मिल रहा है, F1 जनरेशन में सारे के सारे जो है वो टॉल है, बट फीनोटाइपिकली टॉल है, बट जीनोटाइपिकली वो सब क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। और अगर हम F2 जनरेशन देखें, F2 मतलब कि दूसरी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में क्या है, जो मदर फर्स्ट जनरेशन में थी वही हमारी सेकंड जनरेशन में निकला। फर्स्ट जनरेशन में मदर का एक में भी नहीं आया कि ड्वार्फ है कोई, नहीं। सेकंड जनरेशन में एक बच्चा ड्वार्फ होगा, तीन टॉल होंगे फिनोटाइपिकली। और अगर हम जीनोटाइपिकली बात करें तो क्या था, ये होमोजाइगस टॉल, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये होमोसाइगस ड्वार्फ है, मतलब ड्वार्फ तो कंडीशन वैसी होती है। तो क्या रेशियो बना, 1:2:1, यही रेशियो बना। तो जीनोटाइपिकली ये रेशियो बनता है जब हम जीनोटाइपिकली, अगर हम जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हमें F2 जनरेशन में जो हमारी मदर, जहां से पेरेंट्स स्टार्ट हुए थे, तो पेरेंट्स जो है, पेरेंट के जो दोनों चीजें वो एक्सप्रेस होगी सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा। दिस वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने कहा था कि कोई भी दो एलियंस होंगे, उन्होंने एलियन वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया था। तो उन्होंने कहा था कि दो फैक्टर्स होंगे जिसमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। फर्स्ट लॉ वॉज दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, उन्होंने बोला था कि जैसे जो एक पेरेंट होंगे उसके दो एलील्स होंगे तो वो सेग्रीगेट करेंगे ऑफस्प्रिंग्स में जाने के लिए। जैसे मैंने स्मॉल टी कैपिटल टी लिखा है ना, मतलब कि क्या था, दो में से एक मैंने निकाला, तो एक एक ऑफस्प्रिंग्स में, एक बच्चे में, एक पेरेंट से एक गया, दूसरे पेरेंट से एक गया। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मतलब करना, सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, ये अलग अलग हुए। दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज सिर्फ हर उसकी लिमिटेशन है हर लॉ की, बट ये वाला जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसकी लिमिटेशन नहीं है, और दिस इज द यूनिवर्सल। अगर हम ऐसे आता है हमारे पेपर में कि एक्सप्लेन द थ्री लॉज ऑफ मेंडल, तो हम ये लिखेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सल है और वो यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। समझ आया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे दो हुए हैं क्या, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि एक पेरेंट में दो एलील्स होंगे, उन्होंने फैक्टर बोला था उसको, तो जो फैक्टर है एक तो होगा वो डोमिनेटिंग होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। जो डोमिनेटिंग है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो रिसेसिव है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इज जो उन दोनों को अलग करना, वो क्या होता है कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं तो एलील्स जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, फिर ही ट्रांसफॉर्म होते हैं, समझ आए। अब इसके बाद है डायहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके अंदर क्या है, हम दो करेक्टर्स लेंगे, जैसे पहले हमने एक करेक्टर लिया था ना टॉल टॉल वाला, अब हम इसमें दो लेंगे, कैपिटल टी वाई वाई। सीड का कलर येलो है और स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ है, एंड सीड का कलर ग्रीन है। हम क्या लेंगे, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टॉल एंड येलो कलर है, ठीक है। ये क्या है, ड्वार्फ एंड ग्रीन कलर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमें अब हमें क्या बनाना है, इसके एलील्स बनाए थे ना हमने, ऐसे किया था टी टी को, टी और टी, अब हमें इसके बनाने होंगे।
तो इसके क्या क्या बनेंगे, टी वाई टी वाई टी वाई टी वाई, सारे टी वाई ही बनेंगे, और इस केस में बनेंगे टी वाई टी वाई टी वाई टी वाई। ठीक है, अब हमें ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी, ये थोड़ा सा छोटा रह गया, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। हमें पता चल गया ना कि एलील्स जो है वो ये है। अगर आपको ये नहीं समझ आता है इनकेस की एलील्स कैसे बने, आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, बस आपको ये हाइब्रिड क्रॉस दिखाना है कि ऐसे होता है डाय हाइब्रिड क्रॉस, तो आप ये याद कर लेना कि ये वाले एग्जाम्पल लेने हैं और हमारे जो एलील्स होंगे वो ये होंगे, और फिर उसके बाद क्रॉस हम करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये दिखाना है और कुछ भी नहीं है। तो अगर ये ना समझ आए कि एलील्स कैसे बने हैं, इसको याद कर लेना। मैं क्रॉस करके दिखा रही हूँ, ये थोड़ा ऊपर करके, ये आई गेस बोर्ड विजिबल नहीं है नीचे का। एक पेरेंट का और दूसरे पेरेंट का क्या था, टी वाई, यही थे। अब हमें ना बस क्रॉस करना है, इसको मिला के दिखाना है क्या होगा। कैपिटल टी वाई वाई, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाई वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी वाई वाई, कैपिटल टी स्मॉल, ये सारे ही सेम होंगे। क्या लिया हमने, जब हमारे पेरेंट्स जो थे वो होमोजाइगस थे, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस ड्वार्फ एंड होमोजाइगस ग्रीन, मतलब हमने जब लिया तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन होगी वो पूरी सेम होगी, यही था। हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तब भी यही था ना कि सेम होंगे। अब हम इसका क्रॉस करेंगे, मतलब ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन तो पूरी की पूरी टॉल एंड येलो ही है। अब हम फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो क्या लिखेंगे, F1 जनरेशन में क्या थी, पूरी टॉल एंड येलो। अब F2 जनरेशन जब हम करेंगे वो किसका क्रॉस करेंगे, ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर एलील्स क्या बनेंगे, ये बनेंगे। आपको वरी नहीं करना है अगर याद नहीं हो रहे हैं तो, इसको बस समझ नहीं आ रहा तो याद कर लेना। ठीक है, अब हम इसमें इसी क्रॉस में मैं चेंज करके दिखा रही हूं। F1 जनरेशन में क्या मिला हमें कि सारे के सारे सेम होंगे, और F2 जनरेशन में सेम नहीं होंगे। F2 जनरेशन में हमें वहां पे जीनोटाइप और फिनोटाइप डिफरेंस मिला था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वैसे ही डायहाइब्रिड क्रॉस में हमें डिफरेंट जीनोटाइप्स मिलेंगे, कुछ अलग रेशियो आएगी। अगर याद होता है और समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ये क्रॉस याद कर लो। इसको भी याद करने की कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मैं कर बता रही हूँ, ऐसे याद कर लो। देखो ये हमने ऑफस्प्रिंग्स लिख लिया, बस इतना पार्ट आपको याद करना है F2 जनरेशन वाला कि ये एलील्स होंगे। अब इसको कैसे लिखना है, ये कैपिटल टी है वाई वाई, ये कैपिटल टी वाई वाई, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाई वाई, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाई वाई, कैपिटल टी वाई वाई, कैपिटल टी लिखना है, इसका लिखना है टी और वाई का, ये कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई।
मिला तो हम जेन्युइनली वो जरूरत नहीं है कि मैं आपको एक एक क्रॉस बताऊं कि क्या क्या ये टॉल एंड येलो है, ये टॉल एंड येलो है, टॉल एंड येलो है, हमें दिख रहा है. और इसकी जो जीनोटाइपिकली रेशियो बनती है ना वो बहुत लंबी बनती है. वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है. हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जो इसकी फिनोटाइप रेशियो बनती है ना, फिनोटाइप रेशियो वो बनती है 9:3:3:1. क्या मतलब है कि जो 9 है वो टॉल एंड येलो होंगे, जो 3 है वो क्या होंगे, वाफ एंड येलो, और 3 क्या होंगे, टॉल एंड ग्रीन, और सिर्फ 1 होगा जो ड्वार्फ भी होगा एंड ग्रीन भी होगा. इसकी जीनोटाइपिकली रेशियो बहुत लंबी बनती है, जानने के लिए वो हमारे सिलेबस पे नहीं है, हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो. हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बस इतना ही है. तो अब मेंडल का थर्ड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ऐसा कहता है कि जब ये एलील सेग्रीगेट हो रहे हैं ना, चाहे हम दो करेक्टर्स लें तब भी ऐसे ही सेग्रीगेट होंगे जैसे फर्स्ट जनरेशन जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे. ये एक्सेप्शन है, इसकी इसके लिमिटेशंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अगर हम रियल लाइफ में बात करें, देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस वेयर वी कैन सी दिस, बट इसके जो लिंकेज है वो इसकी लिमिटेशंस है. लिंकेज जो है वो एक फिनोमेना है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज हमने क्या क्या पढ़ा, जेनेटिक्स के बारे में, मेंडल के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उनके 3 लॉज पढ़े, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि जब हम दो करेक्टर्स लेते हैं, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड केस में एक लिया था, डायहाइब्रिड में जब हम दो लेते हैं तो दो भी जब वो अलग अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, तो वो ऐसे ही क्रॉस बनाते हैं जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बनाते हैं. दैट मीन्स कि वो कोई चेंज उनमें कोई अलग नहीं होता है. जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे मिलेंगे फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन में, कोई अलग नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई लिंकेज, कोई एक दूसरे से ऐसे नहीं है कि एक दूसरे से मिल जाएंगे इंडिपेंडेंटली. जो टॉल है वो टॉल ही रहेगा, जो ड्वार्फ है वो ड्वार्फ, कोई अलग नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं. ये था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा वो, एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, ऐसा बोला था मेंडल ने. तो ये 3 लॉज थे, आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है मेंडल की, इसकी डे टू डे एप्लीकेशंस क्या है, मेंडलिज्म इन मेन, मेन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर हम कहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं. और सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी टॉपिक्स हैं 9.2 के वो कवर करेंगे. तब तक आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. थैंक यू.